भारत के मध्य प्रदेश के देवास शहर में एक पवित्र पर्वत है। इस पर्वत की टेकरी अपने धार्मिक महत्व के लिए जानी जाती है। यहाँ दो महत्वपूर्ण मंदिर हैं। पर्वत की इसी टेकरी पर देवी चामुंडा माता मंदिर एवं देवी तुलजा भवानी माता के अति सुंदर मंदिर हैं। यहाँ माता के दो स्वरूप हैं, बड़ी माता तुलजा भवानी एवं छोटी माता चामुंडा देवी हैं। मान्यता है जब भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी सती जब अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में सती हुई थी, तब भगवान भोलेनाथ उनके शरीर को लेकर आकाश मार्ग से इस स्थान से ऊपर से निकले थे। तब माता सती के शरीर की रक्त की कुछ बूंदें इसी स्थान पर गिरी थी, इसी वजह से इस टेकरी को शक्तिपीठ माना जाता है। इस शहर का नाम देवास दो देवियों के वास होने के कारण ही पड़ा है। चामुंडा माता गौतम राजपूतों की कुल देवी हैं। बरहा पुराण में देवी महात्म के विपरीत जो दो अलग अलग देवी चामुंडा माँ काली का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। एक किंवदंती के अनुसार चामुंडा सौम्य देवी पार्वती जी के माते से प्रकट हुई थीं, ताकि वह चंडमुन नामक दो राक्षसों का वध कर सकें। चामुंडा माता को शिव की अर्धांगिनी पार्वती का एक रूप माना जाता है। चामुंडा माता की सात बहनें हैं। चामुंडा को चंडमेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। ये माँ दुर्गा का क्रूर माता काली का रूप है। देवास की मुख्य नदी छिप्रा है। इसी के नजदीक पर्वत पर माता का ये भव्य मंदिर स्थित है। देवास इंदौर के निकट पड़ता है। देवास राजवंश के महाराज टुकोजी राव चतुर्थ विक्रमादित्य के राजवंश से संबंध रखते थे। इनके पूर्वजों ने लगभग 250 वर्षों तक देवास पर शासन किया था। हालांकि उनका साम्राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा नहीं था, किंतु उनकी गिनती मध्य भारत के अमीर राजघरानों में होती थी। इन्हीं के वंशजों के द्वारा देवास चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण कराया गया था।